नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी विद्वान साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर, पुलिस एकेडमी राजस्थान इस यूट्यूब चैनल पर आपकी कोई क्लास, कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रही है। तो दोस्तों, जो वीडियोज है वो अपनी दूसरा चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी, नीचे आप नाम देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्टडी एग्जाम एकेडमी, इस चैनल पर आप जुड़ जाएं, इसी पर रेगुलर वीडियोज आपको मिलती है। अब बहुत सारे साथियों का एक डाउट है कि सर, जो राजस्थान में सफाई कर्मचारी की जो नगर पालिका की जो वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में हमें फॉर्म भरना है क्योंकि 20 जून से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 19 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमें किस प्रकार से इसका एक जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको लेकर बहुत ज्यादा मार्केट में बवाल मचा हुआ है, सीधी सीधी बात बता देता हूं। बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, स्टडी एग्जाम एकेडमी पर कि सर, हमने यहाँ पर कोर्स किया है, यहाँ पर हमने सफाई का काम किया है, सॉरी कोर्स नहीं, तो हम वहां से ये अनुभव का प्रमाण पत्र कोई ठेकेदार बना नहीं रहा है, कहाँ से बनाए। और कुछ ही लोग फर्जी किसी स्कूल कॉलेज से या कहीं से भी बनवा बनवा के मेरे पास में व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसके बाद में आपको कोई वीडियो कहीं देखने की, किसी को पूछने की और भेजने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट सुस्पष्ट में भाषा में बता देता हूं कि जो आप ये फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हो, अनुभव का प्रमाण पत्र जो बनवा रहे हो, ये किसी काम का नहीं है। मार्केट में जो इमित्र की दुकान वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा फर्जी काम करते हैं, ये इमित्र की दुकान वाले, इन्होंने फर्जी सिले बनवा ली है, ग्राम पंचायत की बनवा ली है, किसी ने स्कूल कॉलेज की बनवा रखी है और वहां से इमित्र से अपनी दुकान पर लेटर पैड वगैरह या फॉर्म का एक फॉर्मेट निकाल के दे रहे हैं। उसके बाद में उसमें पूरी डिटेल भर के उसमें सील मार के दे रहे हैं कि ये ले तेरा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। अरे चलेगा नहीं, जीवड़ा दौड़ेगा। तो इस प्रकार से 1000, कोई 500, कोई 2000, इस प्रकार से दुकान खोल रखी है और पैसे ले रहे हैं 1000, 500, 2000, 3000, कहीं 5-5, 10-10 हजार में अनुभव प्रमाण पत्र बिक रहे हैं सफाई कर्मचारियों के। तो बहुत ही अच्छा इन लोगों का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जो भी साथी इन दलालों से, जो ये दलाल है, इन दलालों से, इमित्र वालों से, दुकान वालों से, जो इस प्रकार से जो, या कोई कोचिंग संस्थान वाले भी शुरू हो चुके हैं, कहीं कहीं कोचिंग वाले भी शुरू हो चुके हैं, किन्होंने तो ऑनलाइन कोर्स भी चालू कर दिया मूर्ख बनाने के लिए लोगों को। तो ये आपको बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, फर्जी बना के दे रहे हैं। इन लोगों के झांसे में, बेकावे में नहीं आए। आपका ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल फर्जी है, इसके दम पर आप नौकरी नहीं लग पाओगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की तो है वैकेंसी, बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है। तो सफाई कर्मचारी की है तो क्या हुआ जीवड़ा, सरकारी नौकरी है। आज के टाइम में 20-25 हजार रुपए आपको घर बैठे सफाई कर्मचारी में, एक दो चार पांच घंटे काम करोगे और मिलेंगे 20-25 हजार रुपए सरकारी नौकरी, जीवन तक जिंदगी भर रहेगी, इससे बड़ी बात क्या है। इसमें भी प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस है, यदि आप अच्छा काम करते हो तो आगे भी इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है, 5-10 साल बाद, 9 साल बाद काम करने के बाद इसमें प्रमोशन भी हो जाता है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरे, इसमें ट्राई आप जरूर करें। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी ना बनाए, आपने कहीं काम किया है तो आप वहीं से प्रमाण पत्र बनवाए। इसके अलावा कहाँ का हो, इसमें देखो एक प्रोसेस होगी, जैसे अपना फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें होगा क्या, उसमें आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद। जैसे में हम फॉर्म भरेंगे उस टाइम इसका अपलोड होगा और उसमें उसके बाद में पूरी इसकी इसका वेरीफाई होगा, चेकिंग होगी। जिसका अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा उसी स्टूडेंट को आगे उसी का एडमिट कार्ड आएगा, और जिसका एडमिट कार्ड आएगा उसी का ही आगे इंटरव्यू होगा और प्रैक्टिकल होगा, इसमें परीक्षा नहीं होगी। फिर बता रहा हूं, कुछ लोगों ने यहाँ पर दुकान खोल रखी है, हमारा कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो कोई इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, इसमें केवल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पर आरएस का या एसआई का इंटरव्यू नहीं है दोस्त, यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है, नॉर्मल आपके खुद के बारे में बेसिक चीजें, या आपके काम के बारे में, कहाँ पर किया है, क्या क्या होता था वहां पर, कौन कौन लोग थे, उसके बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि भाई वहां से कोर्स लूं या लूं, बाकी इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। स्टडी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के एक सीरीज में डाल दूंगा, इंटरव्यू वाले जितने भी सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, बाकी आपको कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाए, सबसे बड़ा डाउट यही है आपका। तो
तो एक दो प्रकार के संस्थान हमारे यहाँ पर काम करती है, एक तो गैर सरकारी संस्था है और एक गैर सरकारी है। यदि आप गैर सरकारी संस्थान से बनवाते हैं तो वो बड़ी कोई लिमिटेड कंपनी वगैरह होनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सरकार से रजिस्टर्ड जो कंपनीज वगैरह है, संस्थान है, बड़ी कॉलेज है, प्राइवेट भी हो सकती है, तो उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा उसकी सील लगी हुई होनी चाहिए, दो चीजें ये ध्यान रखना। तीसरी, इस संस्थान की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होती है, हर संस्थान की होती है, सरकारी हो या गैर सरकारी, उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके जो हेल्प लैंडलाइन जो नंबर होते हैं वो नंबर होने चाहिए, वहां के मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर भी उस सर्टिफिकेट पर, या उसका जो लेटर पैड होता है, उस लेटर पैड हर कंपनी का लेटर पैड होता है, हर बड़े संस्थान का, तो उसके लेटर पैड के ऊपर भी उसके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, तो ये सारे होने चाहिए। मान लो इंटरव्यू लेने वाले के पास में, या जो आपका और जो अनुभव प्रमाण पत्र जो वेरीफाई करेगी, जो संस्थान जहाँ वेरीफाई होगा वहां पर उसको कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है कॉल करके कि यहाँ से इस बंदे ने काम किया है या नहीं किया, प्रमाण पत्र बनवाया या नहीं बनवाया। इसलिए आप ध्यान रख लेना, वहां पर पूरी डिटेल होनी चाहिए, फर्जी प्रमाण पत्र वालों को लात मार के भगा दिया जाएगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें, किसी को फालतू में प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना है। मेरे पास में कॉल कर रहे हैं बहुत सारे विद्वान, सर हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बनवा दो, कितने पैसे लोगे? अरे मेरी नौकरी खाओगे क्या? मेरे क्यों पीछे पड़े हो? मुझे मरवाओगे क्या? आपने काम वाम कहीं किया नहीं है, मैं यहाँ से सील मरवा के कहीं से जाके सरपंच सरपंच से कि मेरा प्रमाण पत्र बनवा दो रे, मैं नौकरी लग जाऊंगा, फर्जी बनवा के दे दूंगा, उससे क्या होगा दोस्त? कोई नहीं लेगा, आपको लात मार के भगा देगा। इसलिए इस प्रकार की जो दुकानें चला रही है भाई, मैं इस प्रकार की फर्जी दुकान नहीं चलाता हूँ। हो सकता है किसी का भला हो जाए तो आप एक सही संस्था से बनवाएं। सबसे बेस्ट क्या रहेगा? सबसे बेस्ट रहेगा आप सरकारी संस्थान से बनवाएं। जैसे मान लो आपने कहीं काम किया है तो वहां से आप बनवाएं, वो सरकारी संस्थान है, कोई नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सरपंच की जिसमें सील वगैरह है, या ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम सेवक होता है, वहां से जहां आपने काम किया है वहां से आप बनवाएं, वहीं से उन्हीं का आपका ज्यादा मान्य होगा। बाकी जो प्राइवेट कोई स्कूल से बनवा रहा है, कोई कहीं से भी सील मरवा के आ रहा है, तो उनका हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो जाएगा। रिजेक्ट होने का मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रख लेना। जिनका प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा, बाकी का प्रमाण एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचोगे, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आप विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रख लेना, कोई किसी प्रकार की गलती ना करना। सबसे बेस्ट रहेगा आप सरकारी जो संस्थान है वहीं से बनवाए, नगर पालिका से आपने काम किया है, कहीं कहीं ठेकेदार, कोई बड़ा जो ठेके वगैरह चलते हैं, कोई बड़ा ठेकेदार है, वहां से भी आप बनवाए तो वो भी चलेगा, क्योंकि उस ठेकेदार के पूरे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी सील वगैरह, साइन सील, सारी चीज वहां पर रहती है, तो उन्हीं का वहां पर मान्य होगा। या सरपंच, नगर पालिका जो मेयर वगैरह है, इसके अलावा जो ग्राम विकास अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, उनका बनवाए, उन्हीं का मान्य होगा। इसलिए फर्जी चीजें ना करें, किसी को एक पैसा भी ना दे। आशा करता हूं कि आपको जानकारी सही और अच्छे ढंग से मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, समय निकालकर मैं आपसे संपर्क बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्त। धन्यवाद। जय हिंद।